हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो कैसे हैं फ्रेंड आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड, आज है संडे और आज बच्चों की भी छुट्टी है, साहब की भी छुट्टी है, सबकी है। तो मॉर्निंग में आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ, क्योंकि छुट्टी के दिन थोड़ा सा लेट उठना तो बनता है, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है पूरे वीक। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है कैटल्स में गर्म होने के लिए, और एक तरफ मैंने दूध डाल दिया है गैस पे बॉयल होने के लिए, और चाय बनाने जा रही हूँ। सो फ्रेंड, छुट्टी के दिन होते हैं ना, तो आरुल सुबह सुबह बहुत ही फ्रेश मूड में उठता है, क्योंकि थोड़ा सा वो भी अच्छे से सो लेता है। ऐसे तो उसे सुबह में 5:30 में उठना होता है, और वो बहुत सारी बातें करता है। मतलब वो मॉर्निंग में उसने उठा, अपने कंबल को फोल्ड किया, तो ये सारी बातें मुझे बता रहा था। और मैं मॉर्निंग की सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम होता है ना, चाय बनाना और पीना, मैं वही कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, उसने अपना फोल्ड चलो कर लिया अभी है और दीदी मैंने अपना फोल्ड मम्मी कर को रही है, और कपड़े ये अभी भी रख आधी के रख नींद में दिया। ही है, अभी जबकि अभी मैं सुबह आपको के बज रहे हैं पिक्चर साढ़े सात और अभी खींच देखा है, देखिए कैसे करता हूँ मैं। अभी थोड़ी 1-2 मिनट रुक जाइए। देखिए मैंने लैपटॉप खोलकर जूम के तरफ निकाल लिया, और जूम कैसे रख दिया, ये तो उसी साइड रख। क्या बोल रहे हो? सबसे पहले कौन उठा था? तुम कैसे? मैं चोर ना जाओ। और फ्रेंड, मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं अपनी थायराइड की दवा ले रही हूँ, जो कि मेरी मॉर्निंग रूटीन है, कि मैं सबसे पहले गर्म पानी के साथ में थायराइड की दवा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय वगैरह कुछ भी पीती हूँ। तो वो मैंने ले लिया है, और अब मैं चाय वगैरह, चाय मेरी हो गई है तो लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि साहब चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्यूशन भी नहीं है। ट्यूशन भी नहीं है? क्यों? मैम छुट्टी दे रही। अच्छा, व्यक्ति दूर करना चाहिए। सब बच्चे बोल रहे मैम छुट्टी दो, मैम छुट्टी दो, मैम छुट्टी दो। कुछ बच्चे जा रहे गाँव, सब कुछ कुछ जा रहे हैं। मैम ने बोला छुट्टी दे देते। छुट्टी दे दी मैम। अब बताइए क्या करना है। सब सुनाई दे रहा है, जोर से बोलो। तो फ्रेंड, आपने सुनी अरुल की बातें? मतलब आज उसे मैम ने ट्यूशन की छुट्टी दे दी है, तो बहुत खुश हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, कि आजकल संडे को भी इसके ट्यूशन चल रहे थे, क्योंकि पेपर चालू थे, तो इस वजह से। तो वही मैं पूछ रही थी, तो उसने कहा कि आज तो मेरी ट्यूशन भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तो आज वो बहुत मस्ती करने वाला है, क्योंकि छुट्टी तो होती ही है मस्ती करने के लिए बच्चों की। आज छुट्टी के दिन क्या क्या करने वाले हो तुम लोग? आज छुट्टी के दिन आज मैं नाचूंगा, गाऊंगा, सबसे पहले चाय खेलूंगा। पिया जाएगा, ऐसे नहीं खेलूंगा मैं, दो तुम पानी डालो और हाथ दूसरा बाहर। किसका डांस करोगे? हरीसा डांस दिखा दे। और तुम्हारा आज क्या रूटीन है छुट्टी का? ये घर सफाई करेगी। मैं नहीं करूंगा। पानी पी, गरम चाय पीजिएगा। तुम याद है हल्क?
किया है। तो फ्रेंड चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ छत पे अपने गार्डन में, और यहाँ देखिए कितने सारे फूल खिले हुए हैं। वो तो ऑलवेज खिले ही रहते हैं, अभी विंटर जो है, लेकिन अभी रोज़ हर प्लांट में रोज़ खिले और हर कलर के रोज़ मेरे पास, जितने कलर के हैं ना सब में अभी फ्लावर आए हुए हैं और काफ़ी प्यारे लग रहे हैं सभी के सभी। और बाकी के जो भी प्लांट्स हैं उसमें भी हैं, जो ये गेंदे के बहुत सारे, मतलब ये है झंडू के बहुत सारी वेराइटी है मेरे पास। और यहाँ पे एक ये पिंक रोज़ भी है जो कि झाड़ के बीच में से देख रही है। और यहाँ जो साहब है छोटे उस्ताद, खूब सीढ़ी ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इनको तो बस छत पे आने के बाद ये सीढ़ी ऊपर नीचे करते रहते हैं। और मैं गार्डन की साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी वगैरह पानी से निकल जाती है ना, तो अभी हमने प्रॉपर गार्डन को ये नहीं किया है, मतलब सेटल नहीं किया है ऊपर में, अभी हमें करना बाकी है। तो खैर मैं आ गई हूँ नीचे, और अभी मैंने स्नान वगैरह कर लिया है। अब मैं बनाऊँगी दोपहर का लंच, जो कि बहुत ही सिंपल होगा, क्योंकि आज रात में कुछ अलग खाने का मूड है बच्चों को, तो इसलिए हमने क्या किया है कि मैंने आज दिन में एकदम से सिंपल बनाया है, क्योंकि रात में मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ मैं, तो लेकिन कुछ तो हैवी ही बने, मतलब कुछ अच्छी ही, मतलब खाना है सबको, कुछ भी बनाओ अच्छा बनाओ, तो वो मैं रात को करूँगी। और अभी मैं सिंपल खाना बना रही हूँ, सिंपल सा हेल्दी खाना, चावल दाल और आलू और प्याज के साथ में मैं एक उसकी फ्राई बनाऊंगी, जिसे यूपी वगैरह में, बिहार में, यूपी में उसे आलू की भुजिया कहा जाता है, पता नहीं बाकी जगह पे आलू फ्राई, मतलब उसको आलू फ्राई भी बोल सकते हैं, और बहुत अच्छी बनती है, खाने में भी टेस्टी होती। तो मैं यहाँ पहले दाल चढ़ा देती हूँ, और दाल मैं बना रही हूँ तूर की, तो तूर की दाल में मैंने हल्दी नमक डाल दी है, बाकी मैं अभी कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि मैं दाल को फ्राई करूँगी लहसुन प्याज और हींग के साथ में, तो इसे मैं बाद में करने वाली हूँ। तो अभी मैं दाल को पहले डाल दे रही हूँ, जब तक दाल पकेगी तब तक मेरा पूजा जो है, मैं पूजा कर लूँगी, तो वही मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए, और फटाफट मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद खाने भी बनते रहेंगे और बातें भी होती रहेंगी, क्योंकि संडे को क्या होता है ना कि बहुत सारी बातें निकल जाती है, और वीकेंड होने की वजह से ना बहुत जगह फ़ोन पे बातें होने लगती है फैमिली से, तो काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस वजह से संडे का दिन थोड़ा सा रिलैक्स वाला तो होना चाहिए हर किसी का, खासकर लेडीज़ के लिए भी होना चाहिए, तो लेकिन ऐसे होता नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी करना पड़ता है, वैसे अक्सर होता नहीं है, वीकेंड तो होता ही है ढेर सारा काम करने के लिए। और यहाँ देखिए गेम खेल रही है माइनक्राफ्ट, दीदी तो पढ़ाई भी की है। हाँ ये देखिए दीदी माइनक्राफ्ट खेल रही है। बट मेरे तो भाई ने तो पढ़ाई भी की है। माइनक्राफ्ट नहीं है। हाँ माइनक्राफ्ट ही है, माइनक्राफ्ट। तो फ्रेंड मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ ना सिंपल सी रेसिपी है आलू की, तो आलू को मैंने, जो कच्चे आलू है ना उसको मैंने कट कर लिया है, और पतला लंबा, और इसके साथ में मैंने कुछ प्याज कट कर लिए हैं, दो प्याज, और इसके बाद हमें कुछ भी नहीं चाहिए, उसके बाद बस से खड़ी लाल मिर्च होती है ना, ड्राई चिली, वो ड्राई चिली चाहिए 3 से 4। यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है, और यहाँ पे जो इसे जो बनाते हैं ना, इसके लिए मोटी तल के ही कढ़ाई वगैरह चाहिए होती है, और इसमें मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है, ये मस्टर्ड ऑयल में ही ज़्यादा अच्छे से बनता है। उसके साथ में आलू और प्याज और जो ड्राई चिली थी ना उसे मैंने डाल दिया है, वो थोड़े से हल्का सा फ्राई करके, और साथ में मैंने आलू को कट करके डाला हुआ था, और अच्छे से वॉश करके उसे डाल दिया। नमक मैंने डाला है स्वाद के अनुसार, साथ में मैं डाल रही हूँ हल्दी, और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च पाउडर भी डाल दूँगी यहाँ पे। बस अब इसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए, और इसे मिक्स कर लेना है, और इसे पहले मैं ढक दूँगी, ताकि जो आलू चूँकि कच्चे हैं ना तो उन्हें थोड़ा पकना है, तो उन्हें हम पकने देंगे 2-3 बार ढक कर के, मतलब रखेंगे 2-3 बार, हर 2-3 मिनट पे उसे आपको मिक्स कर लेना है, और उसके बाद फ्राई करना है। फ्राई करके एकदम से ड्राई और बहुत ही अच्छी फ्राई हो जाती है, अच्छे से फ्राई करना है उसको उसी में ऑयल में, ना कोई पानी देना है, ना वो ऑयल देना है, कुछ नहीं देना है, ना कोई मसाले। साथ में मैं यहाँ पे जो राइस है ना, जो राइस बनाने वाली, प्लेन राइस बनाऊंगी मैं, तो उसे मैंने वॉश करके अच्छे से रख दिया है, और चाय तो बनता है, संडे है ना, तो अभी साहब भी घर में है, तो अभी मैंने चाय बना लिया है, खाना भी एक तरफ, दोपहर का लंच भी रेडी हो रहा है, और चाय वगैरह पी लेते हैं। तो चाय मैंने रख दिया था, और मैं किचन में फिर से आ गई थी। मैं यहाँ पे दाल जो था ना कुकर से मैंने निकाल लिया है,
और उसी कुकर में मैंने जो वॉश करके मैंने राइस को रखा था उसे मैंने डाल दिया है और उसे दो विसल्स लगा लेंगे यहाँ पे। तो मैंने एक ही कुकर को यूज़ किया है क्योंकि क्या होता है ना उससे बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और मैं अक्सर दाल जब मैं दाल चावल बनाना होता है ना तो मैं दाल बना करके निकाल लेती हूँ फिर उसी में मैं राइस बना लेती हूँ। और यहाँ पे इसे मैं ढक के मैंने रखा है और अभी ये पका है तो थोड़ा सा और एक बार और इसे ढकूँगी ताकि वो थोड़ी सी और अच्छे से पक जाए ना, फिर आपको उसको ऊपर से उसका कवर हटा देना है और उसे लो मीडियम पे उसे अच्छे से फ्राई करना होता है। तो लो मीडियम पे ही रखते हैं, हाई पे नहीं रखते नहीं तो ज़्यादा जल्दी जलने लगती है। खैर मैंने चाय भी पी लिया है और फिर से हम सभी किचन में आ गए हैं गप्पे मार मार के। अभी राइस भी बन चुकी है लेकिन वो जो उसे बनने में ना आलू जो फ्राई बनने में ना काफ़ी टाइम लगता है तो उसको बहुत स्लो मतलब स्लोली स्लोली वो पकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि अभी दाल फ्राई करने की मैंने तैयारी कर ली है, साहब ने चॉपिंग कर दिया है प्याज लहसुन वगैरह जो भी है। तो मैं यहाँ पे बटर के साथ में कर रही हूँ, मैंने बटर डाला आज, मैंने बटर में ही दाल को फ्राई किया है। तो बटर डाल करके और उसमें मैंने हींग डाल दिया है और थोड़ी सी और बारीक कटे हुए लहसुन और प्याज हरी मिर्च ये सब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे और इसे मैं अच्छे से करूँगी फ्राई उसके साथ में। तो चूँकि इसे फ्राई होने में थोड़ा वक्त लगेगा तो मैं यहाँ पे गैस को सिम कर दूँगी और फटाफट मैं पापड़ तल लेती हूँ। और इस तरीके से देखते देखते मैंने पापड़ फ्राई कर लिए और यहाँ पे मैं जो हमारे दाल तड़के हैं वो भी रेडी हो गए हैं, बच्चे खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके हैं। तो फटाफट अभी मैं कर लेती हूँ और करके अब खाना वगैरह मैं निकाल लेती हूँ। तो मैंने सिंपल सा खाना बनाया है, स्टीम राइस है, दाल फ्राई और वो आलू और प्याज की मैंने आपको बताई थी वो है, वो फ्राई है आलू फ्राई जिसे यूपी और बिहार में भुजिया कहा जाता है। उसके साथ में पापड़ सैलेड ये सब है। तो सैलेड काटने का काम मेरे हस्बैंड का ही होता है क्योंकि जब भी छुट्टी के दिन होती है ना तो सैलेड वगैरह वही बनाते हैं और उसके बिना चाहे वो खाना जो भी हो मतलब उसके साथ में ही खाते हैं। तो कटिंग वो बहुत अच्छी करते हैं तो सैलेड हो गई है और साथ में अचार वगैरह जिनको पिकल्स वगैरह चाहिए वो ले लेंगे, पापड़ हो गई। तो ये हमारा सिंपल सा एकदम सा सिंपल जो होता है ना वो वाला हमारा लंच आज हो गया है। जबकि मेरे साहब को है ना मेरे हस्बैंड कभी भी छुट्टी के दिन सिंपल खाना नहीं खाते लेकिन आज हमने सोचा कि सिंपल ही दिन में कर लेते हैं क्योंकि छुट्टी के दिन होते ही हैं स्पेशल बच्चों के लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी क्योंकि उस दिन हम उनको हमेशा अपने पसंद का और अच्छा ही कुछ चाहिए होता है। तो आज मैंने नहीं किया है क्योंकि आज कुछ कारण से मैंने दिन में नहीं बनाया है। तो फिर चलिए दोपहर का लंच कर लेते हैं, आ जाइए आप लोग भी दोपहर का लंच करने के लिए। बट लंच जो है वो बहुत ही सिंपल है तो चलिए, लेकिन जो भी है हेल्दी है तो साथ में बैठ करके कुछ भी खा लो ना, तो चाहे वो आप बहुत ही स्पाइसी खाओ बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ भी बना लो चाहे सिंपल बना लो, फैमिली के साथ खाओ तो बहुत मज़ा आता है खाना खाने में एक साथ। और ये हमारी छुट्टी के दिन होती है और बाकी हम रात को तो हम साथ में ही खाते हैं हम सभी चाहे वो दिन कौन कोई भी हो। और यहाँ पे मैंने किचन में थोड़े बहुत जो बर्तन थे जो हाथ से धोने के थे मैंने हाथ से धो लिया है, बाकी मशीन में बर्तन जो रखे थे वो मैंने निकाले हैं और वापस से मशीन में बर्तन लोड हो गई है दिन में ही, जबकि मैं रात को ही लोड करती हूँ बर्तन लेकिन आज मैंने दिन में ही लोड कर दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि अभी दिन में ही बर्तन लोड कर दिए हैं सारे बर्तन और जो हाथ से थोड़े बहुत जो गंदे थे जो हल्के फुल्के वो मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मशीन में बहुत जगह ले लेती है। और यहाँ मेरी मैडम को देखिए क्या कर रही है, ये क्या चल रहा है? माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ।
कितना खेलते हो भाई, आंख खराब हो जाएगा अरुण। तो चलिए फ्रेंड, मैं तो आ गई फिर से किचन में, और ये बर्तन जो मशीन से निकले थे कल रात वाले, उसे मैं मुझे अभी उसे ट्रॉली में डालनी है, और बाकी यहाँ पे मशीन शुरू हो गई है जो कि अभी 2:55 का समय दिखा रहा है। और यहाँ पे कुछ बर्तन जो स्टोर में हमेशा रखे रहते जो कभी कभार यूज़ होते हैं, वो बर्तन काफ़ी गंदे हो गए थे, तो मैंने जब घर वगैरह जब भी कलर होने के बाद जो सामान पैक कर रही थी, तो मैंने उन सबको निकाल लिया है कि उसे भी मशीन में डाल करके मतलब एक बार धो लूँगी तो क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि कुछ बर्तन क्या होते हैं ना कि बहुत ही कम यूज़ होते हैं, तो मैं उसे अच्छे से मतलब किसी भी ऐसे पैकेट वगैरह या कार्टून वगैरह में डाल के रख देती हूँ कि कभी कभार ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कभी कभार भी ज़रूरत नहीं पड़ते, बस ऐसे ही रखे रहते हैं, ना उसे हम रख सकते हैं ना उसे हटा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, तो बस पड़े रहते हैं घर में। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन को ट्रॉली में डाल दिया है, और अभी मेरे दोपहर के काम हो गए हैं ख़त्म, और ऑलमोस्ट अभी बज रहे हैं 2:30 से ऊपर हो गए हैं, 2:30 से ऊपर हो चुके हैं। और अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, उसके बाद मुझे एडिटिंग का बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। साहब जाएंगे रेस्ट लेने के लिए, और मैं आज रेस्ट नहीं लेने वाली हूँ, अक्सर मैं छुट्टी में लेती हूँ, लेकिन आज नहीं लूँगी, आज मैं सिर्फ एडिटिंग करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं तो जा रही हूँ अभी थोड़ा सा एडिटिंग का काम करने के लिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर से क्लिक कीजिए।